Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the new chapter of pathology which is the first chapter of our general pathology that is cell and tissue changes. देखिए हमारे को general pathology पढ़नी थी क्योंकि हम लोगों ने अपनी क्लिनिकल पैथो कंप्लीट कर ली है, सिस्टमिक पैथो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. तो अब जो जनरल पैथो जो मैं चाहती तो थी कि मैं आपको क्लास में बोर्ड पे समझाऊं, पर अब अनलॉक नहीं हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, क्लास के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं पढ़ा पानी, तो फिर अपन ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ते हैं. तो देखिए एक्चुअली क्या जनरल पैथोलॉजी के अंदर हम वो बेसिक चेंजेस पढ़ते हैं जो किसी इंजरी या डिजीज़ के दौरान हमारी बॉडी के अंदर देखे जाते हैं, उनको हम सेल टिश्यू चेंजेस कहते हैं. ये बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो बॉडी किसकी बनी हुई है, सिस्टम की. सिस्टम ऑर्गन से बने हैं, ऑर्गन टिश्यू से बने, और टिश्यू सेल से बनी हुई है. तो इन सेल और टिश्यू में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो ये चेंजेस पूरी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं, वो बीमारी कॉज करते हैं या इंजरी कॉज कर देते हैं. और ये जो चेंजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, वो तीन कारणों से आते हैं. पहला, तो डिमांड अगर बढ़ जाती है तो चेंज आते हैं. दूसरा, माइल्ड या मॉडरेट स्ट्रेस लग रहा होता है तो चेंजेस आते हैं. और तीसरा, सीवियर स्ट्रेस या परसिस्टेंट स्ट्रेस की वजह से चेंजेस आते हैं. अब डिमांड बढ़ने की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसके सेल टिश्यू चेंजेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन. हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन. और अगर माइल्ड या मॉडरेट स्ट्रेस की वजह से चेंजेस आते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल इंजरी, या आप कहिए स्ट्रेस की वजह से चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं सेल इंजरी. ये सेल इंजरी अगर माइल्ड या मॉडरेट स्ट्रेस की वजह से आ रही है तो इसको हम रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे, और अगर सीवियर स्ट्रेस की वजह से आ रही है तो हम इसको इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे. अब सबसे पहला हमने कंडीशन बोली कि कई बार डिमांड बढ़ जाती है तो उससे होने वाले चेंजेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं. तो आज की क्लास के अंदर हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे. अब एडेप्टेशन जो हमारे सेल में आते हैं वो दो तरह के चेंजेस आते हैं. पहला चेंज है कि या तो सेल का नंबर चेंज हो जाएगा या सेल का साइज चेंज हो जाएगा, या तो सेल का नंबर या सेल का साइज. अगर नंबर चेंज होता है तो हम उसको प्लेसिया कहते हैं, और अगर साइज चेंज होता है तो हम उसको ट्रॉफी कहते हैं. शब्दों को समझ करके याद करने की कोशिश करिए. अगर सेल के नंबर में चेंजेस आते हैं तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है प्लेसिया, और अगर साइज में चेंज आएगा तो हम उसको कहेंगे ट्रॉफी. अब अगर साइज कम हो गया तो ए वर्ड यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा हो गया तो हाइपर वर्ड यूज़ कर लीजिए. मतलब सेल का साइज कम हो जाए तो ए ट्रॉफी, सेल का साइज बढ़ जाए तो हाइपर ट्रॉफी. सेम कंडीशन, सेल का नंबर कम हो गया तो एप्लेसिया, ज़्यादा हो गया तो हाइपरप्लेसिया. पर जनरली सेल का नंबर ऐसे डायरेक्टली कोई कम थोड़ी होता है. कभी सुना आपने किसी बॉडी में किसी जगह सेल का नंबर कम हो गया, नहीं होता. इसलिए एप्लेसिया जैसे टर्म अपन नहीं पढ़ते, जनरली बहुत रेयर केसेस में पढ़ते हैं. तो एप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया. इसके अलावा सेल के नंबर में दो तरह के और चेंजेस आते हैं कि हो सकता है एक तरह की सेल दूसरी तरह की सेल से रिप्लेस हो जाए, तो उसके टर्म यूज़ करते हैं मेटा, मेटाप्लेसिया. और चौथा, जो मैंने कहा कि सेल का नंबर कम हो जाए, तो एग्जैक्टली सेल का नंबर तो वैसे कम नहीं होता नॉर्मल सेल का, या हम यूँ कहें कि मैच्योर सेल का नंबर कम हो जाता है. सेल का नंबर नहीं कम होता, मैच्योर सेल का नंबर कम हो जाता है, यानी मैच्योर सेल का नंबर बढ़ जाता है. तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो है डिस, तो वो कहलाएगा डिसप्लेसिया. तो ये टर्म्स हमारे को पढ़नी है. जैसे सबसे पहले हाइपरट्रॉफी, इसमें सेल का साइज बढ़ जाता है. इस तरह के चेंजेस से पूरे सेल टिश्यू और ऑर्गन का साइज भी बढ़ जाएगा, पर सेल के नंबर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा. हाइपरट्रॉफाइड ऑर्गन में किसी भी तरह की कोई नई सेल नहीं बनती, केवल लार्ज सेल्स होती हैं. सेल नई नहीं बनी, सिर्फ जो ओरिजिनल सेल थी, जो पहले से सेल थी, वो क्या हो गई, बड़ी हो गई, लार्ज हो गई. दूसरी कंडीशन है एट्रॉफी. एट्रॉफी में सेल का साइज कम हो जाता है, यानी श्रिंकेज. क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सेलुलर सबस्टांस कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रॉफी. और सेल का साइज बढ़ता क्यों है, क्योंकि सेलुलर सबस्टांस या सेलुलर प्रोटीन बढ़ जाता है, इसलिए सेल का साइज बढ़ जाता है. सेलुलर प्रोटीन बढ़ जाने की वजह से सेल का साइज बढ़ जाए, कंडीशन कहलाएगी हाइपरट्रॉफी. और सेलुलर सबस्टांसेस कम हो जाने से सेल का साइज कम हो जाता है, कंडीशन कहलाती है एट्रॉफी.
नेक्स्ट हम है हाइपोप्लेसिया पे आ जाते हैं। हाइपोप्लेसिया स्मॉल साइज की सेल के लिए अपन हाइपोप्लेसिया वर्ड यूज कर लेते हैं। स्मॉल साइज की सेल के लिए, श्रिंक्ड सेल के लिए तो हमने यूज किया एट्रोफी, और स्मॉल साइज की सेल के लिए डेवलपमेंटली जो स्मॉल साइज सेल होती है उसके लिए हाइपोप्लेसिया। वैसे हाइपोप्लेसिया कोई खास इंपॉर्टेंट अब नहीं, अपन इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस ऐसे बताने के लिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। एप्लेसिया में तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, डेवलपमेंट कम हुआ तो हाइपोप्लेसिया, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं तो एप्लेसिया, यानी रूडिमेंटरी टिश्यू अगर कहीं पर पाया जा रहा होता है तो उसको अपन एप्लास्टिक टिश्यू कह देते हैं। अब हाइपरप्लेसिया जो मैंने आपको बताया कि सेल का नंबर बढ़ जाता है किसी ऑर्गन या टिश्यू में, जिसकी वजह से वो पूरा पूरा ऑर्गन या पूरा पूरा टिश्यू जो है वो एनलार्ज्ड हो जाएगा, तो उसको अपन हाइपरप्लेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है मेटाप्लेसिया। ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है जिसमें एक एडल्ट टाइप की सेल दूसरी एडल्ट टाइप की सेल से रिप्लेस हो जाती है। वन एडल्ट टाइप सेल इज रिप्लेस बाय अनदर एडल्ट टाइप सेल, और वो जो सेल रिप्लेस हो रही है वो एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल्स हो सकती है, ठीक है। या वन मैच्योर टाइप ऑफ सेल इज रिप्लेस बाय अनदर मैच्योर टाइप ऑफ सेल, आप ये भी कह सकते हैं इसके लिए। अब ये रिग्रेसिव चेंजेस हैं एडल्ट सेल में दिखाई दे रहे होते हैं, जिसमें साइज शेप ओरिएंटेशन के अंदर वेरिएशन दिखाई देता है। कॉमनली ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और इरिटेशन से जुड़ी हुई कंडीशन है, या कैंसरस चेंज की वजह से देखने को मिल रही होती है। इसमें कुछ केसेस के अंदर देयर इज अ टेंडेंसी टू डेवलप इनटू कैंसर, कई बार ऐसा मेटाप्लेसिया और ये जब देखने को मिल रहे होते हैं तो कई बार ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती हैं कंडीशंस, कभी कभार, हर बार नहीं, कभी कभार। अब यहाँ पर डिस्प्लेसिया नहीं दिया हुआ, मैं आपको बता दूँ एक टर्म आती है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया में क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मैच्योर सेल गेट डिक्रीजेस व्हाइल द नंबर ऑफ इमैच्योर सेल गेट इंक्रीजेस ड्यू टू द, क्यों हो जाता है ऐसा, ड्यू टू द फेलियर ऑफ मैच्यूरेशन। सेल का मैच्यूरेशन जो है वो फेल हो जाता है, इसलिए इमैच्योर सेल का नंबर बढ़ जाता है, मैच्योर सेल का नंबर कम हो जाता है। अब हाइपरप्लेसिया क्यों हो जाता है भाई, ड्यू टू इंक्रीज इन द सेलुलर डिवीजन और सेल माइटोसिस। सेल माइटोसिस बढ़ जाने की वजह से, सेल डिवीजन बढ़ जाने की वजह से सेल का नंबर बढ़ जाता है, उसको अपन हाइपरप्लेसिया कह देते हैं। मेटाप्लेसिया मैंने आपको बता ही दिया, और ये मेटाप्लेसिया भी चेंजेस क्यों दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक तरह की सेल जो रिप्लेस हो रही हैं वो सेल कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेस के अंदर बेटर जो है वो फॉर स्टैंड कर नहीं पाती, उस कंडीशन साथ में खड़ी नहीं रह पाती है, कोई हार्मफुल स्टिमुलेशन आए तो वो उसको सहन नहीं कर पाती, अडेप्ट नहीं कर पाती, तो वो उसकी जगह पे दूसरी तरह की सेल्स आ जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेटाप्लेसिया कहते हैं। दूसरी तरह की सेल्स वो सेल्स आ जाती है जो उस एडवर्स कंडीशन को, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है, ज़्यादा अच्छे से टॉलरेट कर सकती है। अब देखिए इसके अलावा एडेप्टिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन में क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट आ जाता है सेल्स के अंदर, और इंट्रा सेलुलर सबस्टांसेस जो है वो एबनॉर्मल अमाउंट में बहुत तरह के सबस्टांसेस इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल सेलुलर कंस्टिट्यूएंट तो होता है वाटर, लिपिड, प्रोटीन, कार्ब, ये सब पाया जाता है नॉर्मल सेल के अंदर, भाई वाटर होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, कार्ब होगा। अब एबनॉर्मल सबस्टांसेस में कुछ एक्सोजिनस प्रोडक्ट, कुछ एंडोजिनस प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं। एक्सोजिनस प्रोडक्ट्स के अंदर मिनरल्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल में इकट्ठे हो जाए, और एंडोजिनस के अंदर कुछ प्रोडक्ट जो है वो एबनॉर्मली बन जाते हैं या मेटाबोलाइज हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे, या फिर पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये सब इंट्रासेलुलर सबस्टांसेस है। अब हार्ट लिपिड एक्यूमुलेशन को पढ़ेंगे। लिपिड एक्यूमुलेशन को हम दो फॉर्म्स में पढ़ते हैं, टिग्रॉइड इफेक्ट और डिफ्यूज। टिग्रॉइड में क्या होता है, येलोड मायोकार्डियम जो है उसके बैंड्स ऑफ येलोड मायोकार्डियम आपको दिखाई देंगे, डार्कर रेड ब्राउन मायोकार्डियम, अन इन्वॉल्व इन पेशेंट्स विद प्रोफाउंड एनीमिया। भाई बैंड्स दिखने लगते हैं भूरे रंग के, पीले रंग के, रेड ब्राउन कलर के बैंड्स दिखने लग जाते हैं, ये टिग्रॉइड इफेक्ट होता है। जबकि डिफ्यूज यूनिफॉर्म अपीयरेंस मायोकार्डियम की दिखाई दे रही होती है तो डिप्थेरेटिक मायोकार्डाइटिस में या सीवियर एनीमिया में दिखाई दे रही होती है। तो ये लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे होते हैं। हमने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें एबनॉर्मल इकट्ठी हो गई तो लिपिड भी इकट्ठा हो सकता है। अब सेल्यूलर रिस्पॉन्स देखिए भाई,
सेलुलर रिस्पॉन्सेज। हालांकि ये भी जो हमने लिपिड एक्यूमुलेशन पढ़ा, ये सेलुलर रिस्पॉन्स था, पर कैसा रिस्पॉन्स था? एडेप्टिव रिस्पॉन्स। उस पर्टिकुलर कंडीशन में सेल अपने आप को ढालने के लिए जो अडेप्टेशन करे, अडेप्टिव रिस्पॉन्स। अडेप्टेशन क्या होता है कि अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो उस चेंज एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी सेल, आपके टिश्यूज़ अपने आप को ढालने की, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ताकि वो उस कंडीशन के साथ में अच्छे से रह सकें, उसको अपन अडेप्टेशन कहते हैं। अब सेलुलर रिस्पॉन्स में सब सेलुलर चेंजेस भी आते हैं। पहला तो हमने कहा इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन, और दूसरा सब सेलुलर चेंजेस। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी के रेजिडुअल इफेक्ट में ये सेल में परसिस्ट कर जाती है, सेल इंजरी जो है वो, एज एविडेंस ऑफ सेल इंजरी एट सब सेलुलर लेवल। तो सेल इंजरी जो है वो सेल में परसिस्ट कर जाती है और उसके एविडेंस आपको सब सेलुलर लेवल पर दिखाई देते हैं कि आपको पता चलता है अच्छा इस सेल के अंदर पहले कोई इंजरी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें रह जाती है। जैसे अगर आपके बाहर बॉडी के ऊपर चोट लगी होती है तो उसका निशान रह जाता है, तो वैसे सेल के अंदर कुछ सब सेलुलर लेवल पर चीज़ें एविडेंस के रूप में रह जाती है, इसको सब सेलुलर चेंजेस कहते हैं। या मेटाबोलाइट जो है वो सेल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको अपन इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन कहते हैं। अब सेलुलर रिस्पॉन्स, मैंने कहा कि भाई सेलुलर रिस्पॉन्स में स्ट्रेस की वजह से दो तरह की इंजरी दिखाई देती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब सेल इंजरी अगर सेल में अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी से की एक्सीड कर जाए, वो कैपेबिलिटी अगर एक्सीड कर जाए, या अगर एडप्टिव रिस्पॉन्स जो है वो पॉसिबल है ही नहीं, तो सेल इंजरी डेवलप हो जाएगी। भाई देखो एकदम बहुत कम थोड़ा सा कोई स्ट्रेस आया और उस स्ट्रेस की वजह से डिमांड बढ़ गई, तो आपने बॉडी ने जो चेंजेस किया वो तो हमने कहा अडेप्टेशन होता है। और अगर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, माइल्ड या मॉडरेट टाइप का है, तो आपकी बॉडी क्या है, अडेप्टेशन कर नहीं पाती, अडेप्टेशन फेल हो जाता है, तो क्या होगा वहाँ पर आपकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स दिखाई देगा, किसकी फॉर्म में, इंजरी की फॉर्म में। पर ये इंजरी कैसी होती है, जो थोड़े समय बाद ठीक हो जाती है, तो इसको अपन रिवर्सिबल सेल इंजरी कहते हैं। और कभी रिस्पॉन्स जो है, अगर स्ट्रेस बहुत सीवियर टाइप का, तो रिस्पॉन्स भी जो है वो फिर ऐसा दिखाई देगा कि उसमें जो सेल इंजरी, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, वो कहलाती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। देखिए तीनों जो चेंजेस है, अडेप्टेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ये तीनों के तीनों चेंजेस जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से देखने को मिलते हैं। अब अगर फर्स्ट कंडीशन, जिसको अपन अडेप्टेशन कह रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, सेल का साइज या सेल का नंबर चेंज हो रहा है, अगर उस स्ट्रेस को, उस चेंज को हम वहाँ से रिमूव कर दें या सीज कर दें, तो सेल जो है थोड़े समय में अपने नॉर्मल शेप और साइज़ को अचीव कर लेगी, या नॉर्मल आर्किटेक्चर को अचीव कर लेती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो ये अपन ने पढ़ा के सब सेलुलर एक्यूमुलेशन, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन वगैरह हो रहा है, ये चेंजेस दिखाई देंगे, डी जनरेशन वगैरह दिखाई देगा, वहाँ से अगर आप स्ट्रेस को रिमूव कर लेंगे तो वो क्या थी, इंजरी थी। कैसी थी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इंजरी जो रिवर्सिबल यानी ठीक हो सकती है, तो उसमें स्ट्रेस के रिमूव करने पर क्या चेंजेस आएंगे, उसमें चेंजेस आएंगे हीलिंग एंड रिपेयरिंग के चेंजेस। और अगर वो सेल इंजरी में स्ट्रेस सीवियर है तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहलाएगी, और उसमें स्ट्रेस रिमूव करने पर भी वो ठीक नहीं होती, क्योंकि उस इंजरी की वजह से सेल जो है वो मर जाती है, यानी सेल डेथ हो जाती है। और सेल डेथ दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सेल डेथ को आप एपोप्टोसिस कहते हैं, और आर्टिफिशियल सेल डेथ को आप नेक्रोसिस कहते हैं। अपन ये चीज़ें अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने सेल इंजरी आपको डिफाइन करी कि सेल्स की अगर एडेप्टिव कैपेबिलिटी एक्सीड कर जाती है, या एडेप्टिव रिस्पॉन्स पॉसिबल नहीं है, तो सेल इंजरी डेवलप हो जाती है। ये सेल इंजरी दो तरह की होती है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरी को आप डिजनरेशन भी कहते हैं। इसमें स्ट्रेस माइल्ड या मॉडरेट टाइप का होता है, और इंजर्ड सेल जो है वापस रिकवर हो सकती है। जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी जैसे नेक्रोसिस वगैरह, तो इसमें परसिस्टेंट या सीवियर फॉर्म आपको सेल इंजरी की दिखाई देगी, जिससे फाइनली क्या हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है। अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या चेंजेस दिखाई देंगे, तो सबसे पहला फैटी चेंज दिखाई देता है। इसके अलावा देखो न्यूक्लियर चेंजेस अपन पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, बहुत तरह के चेंजेस अपन पढ़ेंगे, वो वाटर के चेंजेस भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वाटर सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, ऐसे चेंजेस भी आएंगे। तो सबसे पहला चेंज है फैटी चेंजेस, को अपन स्टीटोसिस कहते हैं। इसमें एबनॉर्मली जो फैट है ट्राईग्लिसराइड के रूप में, वो पैरेन्काइमल सेल्स में इकट्ठा हो जाता है।
ट्राइग्लिसराइड एबनॉर्मली पैनक्राइमल सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसको अपन स्टीटोसिस या फैटी चेंजेस कहते हैं। अब ये कौन कौन से ऑर्गन्स में दिखाई देता है भाई? तो सबसे कॉमनली लीवर में दिखाई देगा, उसके अलावा हार्ट, मसल्स और किडनी में दिखता है। लीवर में दिखाई देता है इसलिए इसकी वजह से होने वाली बीमारी को अपन फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन ऑर्गन है जो फैट मेटाबॉलिज्म क्योंकि इसी में चल रहा होता है इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। अब फैटी चेंजेस यानी सीटोसिस किस वजह से हो सकता है? किसी टॉक्सिन्स की वजह से, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनमें हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में हो जाता है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के केस में देखने को मिलता है, ओबेसिटी में देखने को मिलता है, एनोक्सिया में, और क्वाशरकोर सिंड्रोम जो बच्चों के अंदर हो रहा होता है। PCM में पढ़ा था ना आपने प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के अंदर, इसको क्वाशरकोर डिसीज़। तो ये देखिए फैटी चेंजेस में लीवर जो है येलो कलर का हो जाता है, ग्रीसी हो जाता है, उसके ब्लंट एंडेड हो जाते हैं। अगर आप उसको टेबल पर रखो तो किनारे से मुड़ करके चिपक जाएंगे नीचे के साइड, ब्लंट एंड हो जाता है, स्वॉलन येलो ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई दे रहा होता है लीवर। तो ये फैटी लीवर दिखाया गया है। आप इनकी सेल्स देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, फैटी लीवर की जो सेल्स हैं फॉर्म सेल्स इस क्या होती हैं कि जब ये ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं किसी फैगोसाइटिक सेल के अंदर, मैक्रोफाज अगर इनको खा जाए तो गोल गोल होकर फूल जाती है, झाग जैसी दिखाई देती है, उसको अपन फॉर्म सेल्स कहते हैं। मैक्रोफाज स्केवेंजर होती है, साफ सफाई का काम करती है। तो ये जब कभी भी किसी लिपिड के कचरे के, लिपिड डेब्रिस के, जैसे नेक्रोटिक सेल का लिपिड डेब्रिस है या एबनॉर्मल फॉर्म है प्लाज्मा लिपिड की, उनके जैसे कांटेक्ट में आएगी उसको खाना शुरू कर देती है, बिकम स्टफ्ड विद लिपिड। तो उसमें लिपिड भर जाएगा, मैक्रोफाज उसको खाएगी तो उनमें लिपिड भर जाएगा, स्टफ्ड हो जाएगा, क्योंकि उसकी फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, उसका काम है खाने का। तो उसने जैसे कचरा देखा और वो कचरा अगर लिपिड का बना है तो उसने जैसे उस कचरे को खाया वो कैसी हो जाएगी, वो फूल जाएगी, साइटोप्लाज्म बिकम्स वैक्यूलेटेड बन जाएगा, इसको अपन फॉर्म सेल्स कहते हैं। और ये कब दिखाई देता है? एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी में दिखाई देता है। एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ाया था ना मैंने आपको, फॉर्मी मैक्रोफाज बन जाती है उसके अंदर। तो एओटा में एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है कि मैक्रोफाज आती है और वो जो मीडिया में एंटीबॉडी में फैट इकट्ठा हुआ होता है उसको खाने लग जाती है और खुद कैसी बनाती है, गोल गोल झागों जैसी, झाग लाइक दिखाई दे रही होती है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन दिखाई गई है भाई। फैट डिपो दिखाई गए हैं वो कॉम्प्लिकेट हो गए। ये प्लाग देखिए, एथिरोमा जो है आपको दिखाई दे रहा है। फैटी लीवर को माइक्रोस्कोप में दिखाई दो देखोगे तो क्लियर वैक्यूल पैनक्राइमल सेल में दिखाई देगा। डायग्नोस करने पर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन दिखाई देता है वाटर और पॉलीसैकेराइड का, ग्लाइकोजन का, क्लियर वैक्यूल प्रोड्यूस करता है। लिपिड्स में फैट सॉल्वेंट, अवॉइडेंस ऑफ फैट सॉल्वेंट, पैराफिन एम्बेडिंग का यूज़ करोगे तो फैट सॉल्वेंट वगैरह दिखाई देंगे। बस ठीक है, ये आपके लिए तजुर्बी है, छोड़ो। इसके अलावा ग्लाइकोजन, वाटर फ्लूड आपको लो प्रोटीन कंटेंट के साथ में दिखाई देगा, पर फैट या ग्लाइकोजन इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। सेकंड चेंजेस है चेंजेस, उस चेंजेस को इतना नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, लास्ट के दो स्लाइड आप छोड़ सकते हो। तो पहला था फैटी चेंजेस, दूसरा है सेल्यूलर स्वेलिंग, इसको क्लाउडी स्वेलिंग भी कहते हैं। एक्चुअली क्या हो जाता है, आयंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाटर और आयंस डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सेल टिश्यू ऑर्गन के अंदर, खूब ज़्यादा वाटर आकर के इकट्ठा होने लग जाता है जिससे कि सेल फूल जाती है, इसको सेल्यूलर स्वेलिंग कहते हैं। फूल जाने की वजह से क्या होता है भाई, उसका एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे। सेल्यूलर स्वेलिंग एक तो किस किस में दिखाई देती है, किडनी और लीवर, मेनली किडनी में दिखती है। जैसे लीवर में फैटी चेंजेस दिखे थे तो मैंने कहा था उस डिजीज़ को अपन फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, ऐसे ही किडनी के अंदर दिखाई दे रहा होता है ट्यूब्यूलर स्वेलिंग दिखाई देती है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर स्वेलिंग दिखाई दे रही होती है कुछ बीमारियों के अंदर। तो किडनी और लीवर इसके मेन ऑर्गन है, इसका कारण क्या है? इसी में हाइपोक्सिया या पॉइजन की वजह से सेल्यूलर स्वेलिंग हो सकती है। इसी में यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाना, हाइपोक्सिया। अब मैकेनिज्म, सेल्स जो होती है वो आयनिक और फ्लूइड होम्योस्टासिस को मेंटेन करने में जब इनकैपेबल हो जाती है तो सेल्यूलर स्वेलिंग दिखाई देता है। मोटे रूप में देखें तो वो ऑर्गन फिर फूल जाएगा, बल्ज होकर के बाहर की तरफ आउटवर्ड निकल जाता है, पेल हो जाता है, हैजी हो जाता है, ग्रे दिखाई दे रहा होता है, सॉफ्ट बन जाता है। माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो सेल फूल जाएगी, इनडिस्टिंक्ट सेल मार्जिन दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म इओसिनोफिलिक के साथ में भर जाएगा, ग्रेन्यूल्स के साथ में, सेल बॉर्डर जो है वो ग्रेड रिलीजिंग ग्रेन्यूल्स, ग्रे कलर के और ग्रेन्यूल्स रिलीज करने लग जाएंगे, ये सेल्यूलर स्वेलिंग है। इसके अलावा रिवर्सिबल सेल इंजरी में हाइड्रोपिक डीजेनरेशन आपको दिखाई देता है जिसमें साइटोप्लाज्म वैक्यूल बन जाएंगे,
एक्सट्रीम फॉर्म में जो है फ्लूड वगैरह डिस्टेंड हो जाता है, रप्चर हो जाता है, सेल फाइनली डेड हो जाएगी, जैसा ब्लिस्टर्स में फफोले पड़ जाते हैं तब ऐसा दिखाई देता है, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन, ये पानी वानी भर गया और फाइनली वो फफोले जो होते हैं वो फूट जाते हैं, ब्लिस्टर्स ऐसे होते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेस्क्यूलेचर ऑर्गन का जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है स्वॉलन सेल की वजह से, जिससे कि ऑर्गन जो है वो पीला पड़ जाता है। ये तो थी रिवर्सिबल सेल इंजरी के चेंजेस। अब इरिवर्सिबल में आ जाइए। मैंने आपको कहा इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो सेल डेथ होती है। सेल डेथ दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में एपोप्टोसिस आता है, आर्टिफिशियल में नेक्रोसिस आता है। तो नेक्रोसिस क्या है, डेथ ऑफ सेल और डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, या तो सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स मर जाती हैं लिविंग टिश्यू में, तो उसको अपन नेक्रोसिस कह देते हैं। ये नेक्रोसिस जो है वो एंजाइम के बेसिस पर अगर अपन इसकी मैकेनिज्म देखें तो दो तरह का नेक्रोसिस होता है, ऑटोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस। एंजाइमेटिक रिएक्शन के बेसिस पर दो तरह का नेक्रोसिस होता है, ऑटोलाइसिस हेट्रोलाइसिस। अगर खुद की ही सेल के एंजाइम्स निकल करके उसी सेल को मार दें तो ऑटोलाइसिस, और एक सेल के एंजाइम निकल करके दूसरी सेल को, पड़ोसी सेल को, नेबरिंग सेल को, एडजेसेंट सेल को मार दे तो उसको अपन कहते हैं हेट्रोलाइसिस। अब इसके अलावा हम ये देखें कि देखिए सेल इंजरी के दौरान, सेल इंजरी या सेल डेथ के दौरान दो तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो मैंने बोला एंजाइमेटिक चेंज है, एंजाइम लाइस कर रहा है सेल को, और एक दूसरा प्रोटीन डीनेचर होता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन, प्रोटीन डीनेचुरेशन और एंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ सेल। तो ये चेंजेस, ये मेन चेंजेस है, इनके बेसिस पर देखें तो ये छः तरह के, बल्कि आठ तरह के, मैं आपको कहूँगी आठ तरह के नेक्रोसिस होते हैं। नाम याद करते जाइए, जिस सीक्वेंस में मैं आपको कहूँ उसी सीक्वेंस में याद करना है, ये सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए, मैं इसका कारण बताऊँगी आपको। तो सीक्वेंस वाइज याद करिए, सबसे पहला कॉगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, तीसरा केशियस नेक्रोसिस, चौथा फैट नेक्रोसिस, पाँचवा गैंग्रीन। मैंने यहाँ छठा लिखा हुआ है पर आपको फिफ्थ नंबर पे गैंग्रेन लिखना है, फिर सिक्स्थ नंबर पे फाइब्रिनॉइड, सेवन्थ पे ऑस्टियो, एट्थ पे जैंकर, फाइब्रिनॉइड ऑस्टियो जैंकर, फाइब्रिनॉइड ऑस्टियो जैंकर, ठीक है। कॉग्युलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव, केशियस, फैट, गैंग्रीन, फाइब्रिनॉइड, ऑस्टियो जैंकर। कैसे याद रखेंगे अब इन चीज़ों को, क्यों मैंने सीक्वेंस वाइज कहा कि मैंने आपको कहा कि भाई सेल डेथ में दो मेन इवेंट्स होते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन और एंजाइमेटिक लाइसिस। इसको ऐसे सीक्वेंस वाइज अल्टरनेटिवली याद करिए, कॉग्लेटिव नेक्रोसिस के अंदर प्रोटीन डीनेचुरेशन, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में एंजाइमेटिक लाइसिस, केशियस नेक्रोसिस में अगेन प्रोटीन डीनेचुरेशन, फैट नेक्रोसिस में अगेन एंजाइमेटिक लाइसिस, फिफ्थ नंबर पर गैंग्रीन में ये दोनों चेंजेस दिखाई देते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन भी होता है और एंजाइमेटिक लाइसिस भी होता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमने तीन नेक्रोसिस बोले, तीनों में प्रोटीन डीनेचुरेशन होगा, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस में प्रोटीन डीनेचुरेशन, ऑस्टियो में भी प्रोटीन, और जैंकर्स में भी प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। तो ये छह तरह के नेक्रोसिस हैं। अब दूसरी सेल डेथ होती है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस नेचुरल सेल डेथ है, इसको अपन डिफाइन करें तो ये क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड क्यों, क्योंकि इसमें पूरा सीरीज ऑफ इवेंट चलता है, सेल खुद डिसाइड करती है हाँ भैया मुझे मरना है। कब डिसाइड करती है, जब वो अपना काम पूरा कर चुकी होती है, जिस काम के लिए पैदा हुई है वो काम जब उसने अपना पूरा कर दिया तो वो कहते हैं बस अब हो गया मेरा काम, अब मैं तो जाऊंगी। तो सेल खुद डिसाइड कर रही है, और डिसाइड करती है तो वो पूरा पूरा एक प्रोग्राम चलाती है कि ये इवेंट होने चाहिए मेरे को मारने के लिए, इसलिए हम इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। अब ये सेल इंजरी के फॉर्म देखो, यहाँ पर बताए गए हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, ये रिट्रोग्रेसिव चेंजेस के साथ दिखाई देती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल डेथ जैसे नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगा। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को अपन एपोप्टोसिस कहते हैं। डिरेंज्ड सेल मेटाबॉलिज्म के अंदर इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन होता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, और आफ्टर इफेक्ट ऑफ नेक्रोसिस आपको गैंग्रीन दिखाई देता है, पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है। बस इसके साथ में ही आपके ये फर्स्ट चैप्टर का जनरल इंट्रोडक्शन यहीं पर ख़त्म हो चुका है। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल इंजरी वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।